Hello guys, this is the 11th lecture of bit manipulation series. In this video, I took a problem from course chef. The problem code is XOR SN. Let's move to the problem. The problem is here. You are given a number X. You have to find the value of XOR 1 to X. In other words, 1 XOR, 2 XOR, 3 dash 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 X. सिंपली क्या करना है आपको कि कोई भी वैल्यू आपको x मिलेगी और आपको 1 से लेके x तक का XOR प्रिंट करना है. तो इनपुट क्या है, टेस्ट केस है, t इज अ टेस्ट केस और टेस्ट केस में पहली वैल्यू x की है 1 एंड सेकंड वैल्यू 3. तो फर्स्ट के लिए आंसर क्या होगा 1 और थर्ड के लिए, थर्ड में क्या होगा आपको 1 से लेके 3 तक का XOR प्रिंट करना है. तो XOR इसका 0 होगा. प्रॉब्लम देखने में बहुत ही सिंपल है. आपको सिंपली एक लूप चलाना है 1 से लेके x तक और हर बार जितनी भी बार x की वैल्यू आए आप इसको प्रिंट कर सकते हैं. बट ये ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है. लेट मी शो यू द प्रॉब्लम ऑन कोर्स चेक. प्रॉब्लम इज द सेम, इंपॉर्टेंट इज कंस्ट्रेंट. सी हियर कंस्ट्रेंट, फर्स्ट कंस्ट्रेंट इज x की वैल्यू 10 की पावर 6 तक. एक लूप 10 की पावर 6 तक चलता है, वो 1 सेकंड लेता है. और टाइम लिमिट देखें, इसमें टाइम लिमिट दी है 1 टू 2 सेकंड. मतलब इसमें कि हम ये टेस्ट केस भी पास नहीं कर पाएंगे अगर हमने ब्रूट फोर्स यूज किया तो. और से ही यार यहाँ पे 10 की पावर बढ़ गई. तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे. कोर्स चेप के ज्यादातर प्रॉब्लम्स में कोई ना कोई पैटर्न हिडन होता है, हमें बस उसको फाइंड करना होता है. और इसमें एक चीज और है कि हम इसको, हाँ, लैंग्वेज स्पेसिफिक है, हम इसको इन्हीं 3-4 लैंग्वेज में सॉल्व कर सकते हैं. तो इसको हम लोग सी में करेंगे. नाउ फर्स्ट मूव टू द फाइंड पैटर्न. फाइंड सम पैटर्न. अगर 1 ले तो 1 की वैल्यू 1 आ रही है. उसके बाद अगर 2 तो 1 और 2 का XOR 3. और अगर 3 आता है तो 1 और 2 का XOR तो 3 था. और 3 का 3 से XOR करेंगे 0. ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है, a XOR a is equal to 0. फिर अगेन अब 4 वैल्यू आई. 4 क्या होगा, 1 2 3. 3 तक तो 0 हो चुका है. तो 0 से किसी का XOR करते हैं हमेशा हमें वही नंबर मिलता है. तो ये प्रॉपर्टी थी 0 XOR a या a XOR 0. अगेन 5, 1 2 3 4, 5 का XOR किया, वैल्यू मिली हमें 1. 6 के लिए देखें, इसके लिए वैल्यू 7. 7 के लिए अगेन यहां तक की वैल्यू तो 0 थी और यहां तक की वैल्यू फिर से 7 हो गई. तो फिर से 7 XOR 7 कितना हो गया, 0. और 8 के लिए फिर यहां तक तो सब 0 था, फिर ये 0 से 8 हो गया. तो 0 XOR 8 वैल्यू मिल गई हमें 8. अगर आप गौर करें तो अगर 4 का मल्टीपल, आई थिंक अगर 4 है और 8 है तो वैल्यू सेम है. मतलब अगर 4 का मल्टीपल है तो आंसर हमारा n होगा. n अगर 4 का मल्टीपल है तो आंसर हमारा n होगा. यहां पे आप देख सकते हैं 4 था, 4 का मल्टीपल है. हाँ, 8 भी 4 का मल्टीपल है तो आंसर 8 है. व्हाट एल्स, अगर हम 4 का मल्टीपल देख रहे हैं तो हमारे पास कितने रिमाइंडर बचेंगे, 0 1 2 3. तो 0 वाला केस तो देख लिया, ये था. और अगर 3 रिमाइंडर होगा तो आंसर यहां 0 आ रहा है और यहां भी 0 आ रहा है. यहां पे भी अगर 4 का 7 से रिमाइंडर लेंगे तो 3 मिलेगा. तो 3 रिमाइंडर पे 0 वैल्यू दे रहा है, यहां पर भी 3 रिमाइंडर पे 0 वैल्यू दे रहा है. व्हाट एल्स, 1 के लिए देखते हैं. 1 अगर रिमाइंडर आ रहा है तो यहां पे वैल्यू भी 1 आ रही है, यहां पे भी रिमाइंडर 1 आ रहा है तो यहां पर भी वैल्यू 1 आ रही है. अब 2 रिमाइंडर आ रहा है तो यहां 3 है और यहां पे 2 रिमाइंडर आ रहा है तो 7 है. इसको कैसे फाइंड करेंगे. तो अगर आप देखेंगे जो 2 है, 2 का अगर देखें तो ये क्या लिखा है, 2 प्लस 1. और ये 6 क्या लिखा है, 6 प्लस 1. तो सिंपल हमें सबके लिए फॉर्मूला मिल गया है कि अगर 4 से रिमाइंडर लें 0 आएगा तो वैल्यू 4 हो जाएगी, और अगर
थ्री आता है तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, अगर टू आता है तो वैल्यू थ्री हो जाएगी, वन आएगा तो वैल्यू वन हो जाएगी। दिस वॉज द पैटर्न विच वॉज हिडन इन द प्रॉब्लम। नाउ वॉट एल्स वी डू, वी जस्ट सिंपली फाइंड द n मॉडुलस 4, रिमाइंडर जीरो होगा तो वैल्यू n होगी, रिमाइंडर अगर 1 आता है तो आंसर 1 होगा, रिमाइंडर अगर 2 आएगा तो n प्लस 1, जो अभी हमने देखा 3 आने पे 0। सो नाउ लेट्स कोड। क्वेश्चन को हमें सी लैंग्वेज में सॉल्व करना था इसलिए हमने सी की फाइल बना रखी है पहले से। अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए था क्वेश्चन में देखते हैं। पहले हमें चाहिए टेस्ट केस, टेस्ट केस की वैल्यू, टेस्ट केस की वैल्यू इंटीजर में ले सकते हैं, बट ये जो एक्स है ये इंटीजर की रेंज से बाहर चला जाएगा इसलिए हमें इसको लॉन्ग लॉन्ग लेना पड़ेगा। तो पहले ही मैं डिफाइन कर देता हूँ लॉन्ग लॉन्ग को ताकि हमें बार बार लॉन्ग लॉन्ग ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने डिफाइन कर दिया LL। नाउ LL T N C नहीं होगा, scanf परसेंट LLD क्योंकि लॉन्ग टाइप लिया है इसलिए पहले हमें T इनपुट लेना है, फिर टेस्ट केस के लिए लूप चलेगा, फिर हमें क्या इनपुट लेना है सिंपली कॉपी करते हैं। एन इसके बाद हमें सिंपल प्रिंट करा देना है गेट एग्जॉस्ट एन। सॉरी बार बार मैं सी प्लस प्लस में लिखते रहा हूं, परसेंट xn get xor n। now implement the function, वैल्यू तो हमेशा इंटीजर ही मिलेगी क्योंकि जीरो से लेके फोर तक ही, नो आंसर ll होगा क्योंकि n भी यहाँ हमारा आंसर हो सकता है इसलिए get xor, यहाँ भी ll लिखा। अब सिंपल क्या करना है हमें, चार केस देखने हैं तो हम स्विच लगा लेते हैं, स्विच एंड मॉडुलस 4 सिंपल केस 0, केस 1। केस 0 के लिए क्या था, अगर रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो हम डायरेक्ट n को ही रिटर्न कर देते थे, रिमाइंडर अगर 1 मिल रहा था तो हम क्या कर रहे थे 1, रिमाइंडर अगर हमें 3 मिल रहा था तो आंसर n प्लस 1, रिमाइंडर अगर हमें क्या बचा 2 मिल रहा था, सॉरी 3 के लिए 0 था और 2 के लिए n प्लस 1। ओके नाउ रन इट। GCC demo.c okay, now run it। test case 2 था और फिर 1 के लिए 1 आंसर आ गया, 3 के लिए 0। तो test case तो हमारा पास हो रहा है, now इसको copy करते हैं और CodeShare पे submit करते हैं। Now file just paste here and submit। Oh, it's running। Wait for okay, correct answer 0.11 second, जबकि इसके लिए इन्होंने time limit दे रखी थी 1 से लेकर 2 सेकेंड, फिर भी हम लोगों ने इसे 0.11 सेकेंड में इसको सॉल्व कर लिया। So this was the problem on based XOR operator। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक कर दें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।